चौथी पास राजा की इस कहानी में एक नया अध्याय जुड़ा है जिसके बारे में चर्चा करने के लिए आज की ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। और ये अध्याय है चौथी पास राजा, देश के राजा के ऐशो आराम की। और इस ऐशो आराम के खिलाफ जिस प्रकार से इस देश के राजा ने, चौथी पास राजा ने अपने ऐशो आराम पर देश के मतदाता का, देश के टैक्सपेयर का, देश की जनता के खून पसीने की कमाई को अपने ऐशो आराम पे उड़ाया है, उस ऐशो आराम पे खर्च किए गए एक एक पाई का हिसाब मांगने के लिए आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। लेकिन प्रोटेस्ट और प्रदर्शन की विस्तार से चर्चा करने से पहले चौथी पास राजा के ऐशो आराम पर क्या क्या खर्च किए गए उस पर चर्चा करनी अति आवश्यक हो जाती है। ये देश का राजा, चौथी पास राजा, इनके लिए जो महल बनाया जा रहा है वो महल शायद शाहजहां ने भी जब ताजमहल बनाया था तब इतना पैसा नहीं खर्च किया गया होगा जो इस राजा के महल के लिए खर्च किया जा रहा है। आपको जानकर अचंबा होगा कि अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 1300 करोड़ रुपए इस राजा के महल के लिए, देश के राजा, चौथी पास राजा के महल के लिए खर्च किया जा रहा है। आपकी गाढ़ी कमाई, आपकी खून पसीने की कमाई। इस राजा ने जब कर्नाटक में IIT का उद्घाटन किया तो उस एक घंटे के उद्घाटन पे 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। एक घंटे के उद्घाटन के लिए 10 करोड़ रुपए फूंक दिए गए। यही चौथी पास राजा जब पूरे दुनिया में भ्रमण करते हैं तो एक 8400 करोड़ के एक आलीशान जहाज में सफर करते हैं। यह 8400 करोड़ का जहाज देश की जनता के पैसे से खरीदा गया जहाज है। यही चौथी पास राजा जब विदेशों में सफर करते हैं तो बताया जाता है कि इनके विदेशी दौरों पे देश के टैक्सपेयर का लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। यही चौथी पास राजा जब अपने घर की मरम्मत कराते हैं तो उनके घर के एक छोटे से हिस्से की चूना पोताई पर, केवल सौंदर्यकरण पर 90 करोड़ रुपए खर्चे गए। यही चौथी पास राजा जब मात्र एक दिन के योगा इवेंट के लिए कर्नाटक जाते हैं तो उस इवेंट में 56 करोड़ रुपए उनकी इवेंट की सजावट पे और उनके ऐशो आराम पे खर्च किया जाता है। ये ऐश की जिंदगी है, ये मौज की जिंदगी है। और देश का पैसा कैसे एक राजा के ऐशो आराम पे लुटाया जा रहा है, ये उसकी कहानी है। इसी ऐशो आराम पे खर्च किए गए, देश के राजा, चौथी पास राजा के ऐशो आराम पे खर्च किए गए देश के टैक्सपेयर की, देश के आम आदमी की गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी एक व्यापक प्रोटेस्ट करने जा रही है। और यह व्यापक प्रोटेस्ट कल किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस चौथी पास राजा को, इस देश के एक छोटे से सूबे के एक छोटे से मुख्यमंत्री से डर भी बहुत लगता है। इस छोटे से सूबे के छोटे मुख्यमंत्री पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। और उस मुख्यमंत्री से इस राजा को, चौथी पास राजा को बहुत डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री अपने सूबे में खूब तरक्की कर रहे हैं, खूब बढ़िया काम कर रहे हैं, इनकी जनता खुश है, जनता वाहवाही करती है, क्योंकि इस छोटे से सूबे के छोटे से मुख्यमंत्री ने चौथी पास राजा की नाक के नीचे रहते हुए बहुत सुंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया जहां पर लोगों की
दवा दवाई इलाज बिल्कुल मुफ्त है, लोगों का शानदार इलाज होता है। इसी मुख्यमंत्री ने आलीशान स्कूल बनाए जहां गरीब आदमी का बच्चा पढ़ता है, जहां गरीब से गरीब आदमी के बच्चे को भी विश्व स्तरीय शिक्षा दी जाती। इस मुख्यमंत्री ने अपने सूबे में मुफ्त बिजली दी है, मुफ्त पानी दिया है और अपने सूबे के लोगों को एक सम्मानजनक जीवन जीने की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रदान करी है, एक बहुत बेहतरीन अवसर प्रदान करा। और शायद इसीलिए सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री से ये चौथी पास राजा थोड़ा डरता, थोड़ा घबराता, और इसी के चलते आज ये राजा अपने देश के एक छोटे से सूबे और उस सूबे के छोटे से मुख्यमंत्री के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस राजा ने अपने दोस्त के माध्यम से खूब हजारों लाखों करोड़ रुपए कमाए, अपने खास दोस्त को सारे ठेके दे दिए, बिजली का ठेका दे दिया, कोयले का ठेका दे दिया, सीपोर्ट दे दिए, एयरपोर्ट दे दिए, और ये सारे ठेके जब अपने एक दोस्त को दे दिए, उसका नतीजा है कि आज देश भर में बिजली महंगी होती जा रही, देश भर में महंगाई होती जा रही है और देश भर में जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। जब ये राजा चौथी पास राजा देश का राजा नहीं बना था तो पेट्रोल 55 रुपए बिका करता था, आज उस देश में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर बिकता है। इस राजा के राजा बनने से पहले डीजल 45 रुपए प्रति लीटर बिका करता था, आज वो डीजल 90 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। पहले दूध 36 रुपए प्रति लीटर जनता को मिला करता था, आज वो दूध 60 रुपए प्रति लीटर हो गया। पहले सीएनजी गैस 40 रुपए प्रति यूनिट प्रति केजी मिला करती थी, आज इस राजा के आने के बाद सीएनजी 80 रुपए प्रति लीटर बिकती। सिलेंडर 400 रुपए प्रति लीटर 400 रुपए प्रति सिलेंडर मिला करता था, आज वो सिलेंडर 1100 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है और ये इस राजा की अनोखी देन है कि आज उसके देश की जनता को इस महंगाई के आलम में आधार कार्ड की नहीं उधार कार्ड की आवश्यकता पड़ गई। मैं फिर से कहूंगा, आधार कार्ड की नहीं उधार कार्ड की आवश्यकता पड़ गई। और इस राजा ने ये देश की तमाम बुनियादी वस्तुओं को महंगा तो कर दिया, लेकिन इस महंगाई से जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ वो सारा अपने ऐशो आराम पे खर्च किया। कभी 1300 करोड़ का महल बनाया, कभी 8400 करोड़ का जहाज खरीदा, कभी एक घंटे के उद्घाटन में 10-10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, कभी विदेशी यात्राओं पे 1500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, कभी अपने घर के एक हिस्से की चूना रगड़ाई पे 90 करोड़ रुपए खर्च कर, यानी कि देश के खजाने को अपने ऐशो आराम पे खूब लुटाया। और उसी के चलते आज देश में त्राहिमाम त्राहिमाम। आम आदमी पार्टी इस चौथी पास राजा के ऐशो आराम पे खर्च किए गए देश के मतदाता की गाढ़ी कमाई और देश के खजाने को लुटाए जाने के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कल करने जा रही है, और देश की जनता, दिल्ली की जनता इस प्रदर्शन में अवश्य जुड़ेगी और हिसाब मांगेगी अपनी एक एक कमाई का, एक एक पैसे की कमाई का। कहां होगा? दिल्ली में होगा, पूरे देश में? पीएम हाउस के बाहर भी प्रदर्शन। आपको इसकी सारी जानकारी कुछ ही देर में मुहैया कराई जाएगी, कहां पर होगा, कैसे होगा और किस स्तर पे होगा, इसकी जानकारी थोड़ी देर में आप सबसे साझा कराई जाएगी। राघव, एक सवाल और था। दिल्ली सरकार लगातार कल्चर को प्रमोट कर रही है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को बचा रही है, लेकिन एक खबर ये आई है कि दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ है, उनके घर को बनाने के लिए 15 शताब्दी का तोड़ दिया गया। दिल्ली जल बोर्ड के जो उपाध्यक्ष हैं वो इस पर जवाब देंगे, मुझे इतनी नेटी ग्रिटीज में दिल्ली जल बोर्ड के एक जो आप बात कर रहे हैं उसकी जानकारी नहीं है। मैं चाहूंगा कि एक इन्फॉर्म्ड रिस्पॉन्स आपको इस पर मिला जाए। थैंक यू।